नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और जुड़ जाएं चैनल के साथ। आइए शुभारंभ करते हैं। नमस्कार, मैं आपके समक्ष साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूं। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के मध्य आपके जीवन में क्या घटित होगा, इसका एक संकेत मैं आपको दूंगा, ताकि आप आने वाले वक्त को अपने हिसाब से जी सकें और परेशानियों से बच सकें। ये साप्ताहिक राशिफल आपको आपके करियर के बारे में, आपकी नौकरी, आपके व्यापार, परिवार, शिक्षा, देश विदेश की यात्राएं, स्वास्थ्य के बारे में बताएगा और कैसे उपाय करके आप इस सप्ताह को बेहतर करें, ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो आप शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह अगर खराब भी हुए तो भी बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। अगर जन्म कुंडली में ग्रह खराब हुए तो उनको सुधारने के लिए आपको उपाय करने होंगे और अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी होगी दिए गए नंबरों पर संपर्क करके। हम आपकी जन्म कुंडली की जांच करेंगे ताकि आप अपना सही भविष्य जान सकें, सही काम कर सकें। तो आइए शुभारंभ करते हैं। जिन भी लोगों का इस सप्ताह में जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उनको ढेरों ढेरों शुभकामनाएँ। शुभारंभ करें आपकी राशि से, उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा। आप सफलता पाना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ये 10 काम कब होंगे। पहला काम, आपकी शिक्षा पूरी कब होगी। दूसरा काम, आप क्या देश में पढ़ेंगे या विदेश में पढ़ेंगे, या आपके बच्चे नौकरी करें कि व्यापार करें। शादी अरेंज होगी कि लव मैरिज होगी। परिवार में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। मकान बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। शरीर अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा। क्या प्रेम संबंध बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्या मेरी ज़िंदगी में हर प्रकार का छोटा बड़ा, घर का, वाहन का, खाने पीने का सुख होगा कि नहीं होगा। क्या मेरे काम सभी वक्त पर हो जाएंगे। क्या मैं स्वस्थ रहूँगा। क्या मैं अपने परिवार वालों को कुछ दे पाऊँगा। क्या मैं समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ कर पाऊंगा। क्या मेरा नाम भी लोगों की ज़ुबान पर होगा और लोग मुझे याद करेंगे। क्या ऐसी प्रश्न आपके दिमाग में है। इन प्रश्नों का उत्तर कहाँ से मिलेगा। इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा इस कुंडली में। ये कुंडली बताएगी कब होगा आपका भाग्योदय, कौन होगा आपका जीवन साथी, कैसा होगा वक्त, किस भगवान की पूजा से लाभ मिलेगा, कौन सी अंगूठी पहने, कौन सा लॉकेट पहने, कौन सा रुद्राक्ष पहने, कौन सा यंत्र पहने, कौन सा तंत्र करें जिससे आपको शुभ लाभ हो। तो इस कुंडली को जब आप प्राप्त करेंगे, ये हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगी, रंगीन अक्षरों में होगी। जब आप उसको अपने मोबाइल पर या अपनी ईमेल आईडी पर पढ़ेंगे तो आपको एक एक दिन का हाल पता चलेगा। 2022, 2023, 2024 की ये कुंडली है, जिसमें उपाय भी हैं और समस्याओं का समाधान भी है और जीवन में कब खुशियाँ आएंगी उसकी जानकारी भी है। L100 इसका कोड है, 997 इसकी कीमत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के राज जानना चाहते हैं तो अभी ऑर्डर करें L100 लिखकर। अब जानिए आने वाले 7 दिनों का हाल। सप्ताह की शुरुआत में संकेत मिल रहे हैं कि आपको संतान के स्वास्थ्य की तरफ से चिंताएँ हो सकती हैं। जो रिश्ते दिल से जुड़े हैं वहाँ पर तनाव हो सकता है, परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन कुछ ही वक्त बाद आपको राहत भी मिल जाएगी। परेशानी आएगी लेकिन निपटारा भी हो जाएगा परेशानी का। कष्ट आएगा लेकिन दवा भी मिल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। सप्ताह के मध्य के दिनों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, कम ऊर्जा, कम आत्मविश्वास, कम उत्साह और शत्रु अधिक प्रबल होंगे। ऋण और कानूनी मुद्दे, व्यर्थ के दबाव आपको परेशान कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में वैवाहिक आनंद की उम्मीद बन रही है। आप जैसा चाहते थे वैसा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत खराब भी नहीं होगा ये वक्त। प्रयास करने पर आप इस वक्त को बेहतर बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ या प्रेम संबंधों में या मित्रता में गलतफहमी होने की संभावनाएं बहुत प्रबल है और व्यापारिक साझेदारी में भी गलतफहमी आपको परेशान कर सकती है। तो ये सप्ताह थोड़ा सा संभल कर आपको बिताने की मैं सलाह दूंगा। 22 अप्रैल दिन शुक्रवार, आपको आपकी माता जी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो दिन शुभ है। आप अपने घर की जरूरत का सामान खरीद पाएंगे, खर्चे बढ़ सकते हैं। परिवार के साथ
पार्टी वार्टी घूमना फिरना इन सब में खर्चे बढ़ सकते हैं। जीवन साथी से रिश्ते ठीक बना के रखिएगा, दिल के रिश्तों में जल्दबाजी मत दिखाइएगा। घर पर कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे जो आपको अचानक से करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से परेशान हो सकते हैं। 23 अप्रैल दिन शनिवार, दिन थोड़ा सा खुशियों भरा होगा, बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी, कोई नया प्रेम संबंध बनने की संभावनाएं प्रबल हैं, ईमानदारी से आप अपने घर के और बाहर के काम करेंगे, जुआ सट्टेबाजी ये सब चीज़ों में पैसा आप लगाने की कोशिश करेंगे, लाभ भी होगा। आज आपका दिन ठीक है, विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा तो नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा जरूर करेंगे। आप अपनी पूरी ताकत से अपने कामों को निपटाएंगे, नौकरी व्यापार में उन्नति के धीमे धीमे आपके रास्ते बनते चले जाएंगे। 24 अप्रैल दिन रविवार, विद्या में बच्चों को सफलता मिलेगी, नौकरी में जो अधूरे काम थे वो आप पूरे कर लेंगे, घर के कामों में मदद करेंगे, व्यापार में नई सोच के साथ एक शुरुआत करेंगे, परिवार में खुशियों का माहौल होगा, आपके व्यापार में उन्नति से भरी योजनाएं आप लगाने की कोशिश करेंगे, खेल कूद से जुड़े लोग आज अपना अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो लोग फिल्मी दुनिया थिएटर की दुनिया से जुड़े हैं या पत्रकार हैं वो लोग अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखेंगे, यानी रिहर्सल उनका बहुत अच्छा होगा, और जो भी लोग हुनरकार हैं आज वो अच्छी प्रैक्टिस करके आने वाले वक्त में जब उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा तो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। 25 अप्रैल दिन सोमवार, संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी है, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, प्रेमी प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा, व्यापारी लोगों का व्यापार बढ़ेगा, सभी प्रकार की खुशियाँ आपके घर में होगी और आप धीमे धीमे तरक्की करते चले जाएंगे, चिंता मुक्त होंगे, माता पिता से आशीर्वाद मिलेगा, धन प्राप्ति के योग है, आपकी ज़रूरत के वक्त में आपके घर के बड़े आपके काम आएंगे, आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। 26 अप्रैल दिन मंगलवार, आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है, नौकरी में आप अपना कार्य पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके मन में प्रसन्नता और उत्साह रहेगा, पारिवारिक या सामाजिक उत्सवों में भाग लेंगे, व्यापारी लोग अपने व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से यात्रा पर जा सकते हैं, खिलाड़ी अपने खेल कूद में अच्छा करेंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा, दोस्तों यारों से मुलाकात होगी, भाई बंधुओं से सहयोग मिलेगा, बहनों का प्यार मिलेगा, लोगों से मिलना जुलना होगा, पास पड़ोस से रिश्ते अच्छे होंगे, कुंवारों को कोई अच्छा रिश्ता भी मिल सकता है। 27 अप्रैल दिन बुधवार, आप परिवार के साथ थोड़ा हंसी खुशी का माहौल देखेंगे, अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे, यह समय है प्रेमी प्रेमिका को और आगे बढ़ने का, अपने प्यार को रिश्तों में बदलने का, गिफ्टों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे को खुश करने के लिए उपहार देंगे, एक दूसरे को खुश करने के लिए दिल जीतने के लिए उनकी जैसी बातें करेंगे, स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखिएगा, कोई अगर रोग या परेशानी है तो उसके लिए डॉक्टरी सलाह लीजिएगा, आज आप आनंद प्राप्ति करेंगे, सुख की प्राप्ति होंगी और जो भी चाहते हैं उसको पाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। 28 अप्रैल दिन गुरुवार, आपको जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा, निश्चित रूप से आप लोग एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे, आप रोमांटिक मूड में होंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, व्यापारियों को नया साझेदार मिल सकता है, उन्नति के पूरे पूरे रास्ते खुले हुए हैं, जमा पूंजी बढ़ाने के लिए इस समय बहुत ही अच्छा है, शेयर मार्केट में आप निवेश सोच समझ कर करिएगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खाने पीने के मामले में सावधानी रखें, रोजाना नियमित व्यायाम करें, महिलाओं से सम्मानपूर्वक बात करें और अच्छा व्यवहार रखें तो सब कुछ आपका बेहतर होगा। अपनी गाड़ी अपने कीमती सामान को इधर उधर मत रखिएगा, नहीं तो गुम हो सकता है, गाड़ी का चलान कट सकता है और आपकी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। आपके लिए यह सप्ताह 74% शुभ लाभ लेकर आ रहा है और आपके लिए 3 नंबर लकी रहेगा। हनुमान जी इस दुनिया में सबसे जल्दी सुनते हैं आपकी प्रार्थना और सबसे जल्दी आकर आपके कष्टों का खात्मा कर देते हैं। हनुमान जी की उपासना करिए और पूरा सप्ताह बढ़िया बना लीजिए, मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, मंगलवार शनिवार या रोज़ जा सकते हैं रोज़ जाइए और मंदिर में सेवा करिए, मंदिर में प्रसाद खाने मत जाइए, मंदिर की साफ सफाई मंदिर की सेवा में सहयोग करिए।
जेब से 100 रुपये निकाल कर दान पात्र में डाल देना बहुत आसान है, लेकिन मंदिर या मंदिर से जुड़े हुए कामों में सेवा करना मुश्किल है। तो सेवा करिए, भगवान सेवा से प्रसन्न होता है, भगवान आपके नोट से प्रसन्न नहीं होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा और अपने कर्म और धर्म दोनों को मजबूत बनाए रखिएगा। और ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, अगर ये कुंडली आपके पास है तो इस दुनिया को बनाने वाले ने आपके जीवन में क्या लिखा है वो इसमें लिखा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपने जीवन को तो फिर L100 लिखिए, 997 इसकी कीमत है। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए, नहीं है तो हस्तरेखा दीजिए। ये कुंडली आपके मोबाइल पर, आपके व्हाट्सएप पर, आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। और आने वाली 2022, 2023, 2024 को कैसे आप अपने पक्ष में कर सकते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी इसके अंदर होगी। देर मत करिए, अपने आप को जानने का ये बहुत अच्छा मौका है और खुद को जानकर सफल होने का भी बहुत अच्छा मौका है। ईश्वर आपका यह सप्ताह बहुत बेहतर बनाए और इस कुंडली को पढ़कर आप अपने भविष्य को अच्छा बनाएं, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। नमस्कार।